नमस्ते, मेरा नाम है चुनाक ली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे एक्टर के बारे में जो अपने सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी और टैलेंटेड एक्टिंग स्किल के लिए इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप लोगों को भी तो पता ही है कि वो मेरा फेवरेट एक्टर भी है। उस एक्टर को हम सब लोग भोईयों के भोई सैलमन भोई के नाम से भी जानते हैं। ये भोई हमारे समाज का एक मात्र ऐसा एक्टर है जिसके हेटर की संख्या बहुत कम बल्कि उससे हर कोई प्यार करता है। तो आखिरकार उस भोई की ऐसी कौन सी बातें जो मुझे इतनी पसंद आई कि वो एक कोरियन यानी कि मेरा फेवरेट एक्टर बन गया। मैं आज के इस वीडियो में ये सारी बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला रीजन, सैलमन भोई का एक्टिंग स्किल तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक्टर हो तो उसमें सबसे पहले गुण एक्टिंग स्किल का देखा जाता है, बाकी सारा गुण बाद में, लेकिन सबसे पहला गुण उसका एक्टिंग स्किल का देखना चाहिए। और भोई के एक्टिंग स्किल को जानने के लिए तुम एग्जाम्पल के तौर पर जाय हो, किक नंबर 2, रेस नंबर 3 और राधे मूवी को देख सकते हो। भोई की लेटेस्ट मूवी राधे एक ऐसी मूवी है जिसने भोई ने अपने सारे टैलेंटेड अपने सारे एक्टिंग स्किल का भरपूर इस्तेमाल किया है। हाँ, वैसे ये बात अलग है कि गूगल पे राधे मूवी को 10 में से सिर्फ एक ही स्टार मिला था, लेकिन उसका एक बहुत ही स्पेशल रीजन है क्योंकि राधे मूवी में सैलमन भोई का एक्टिंग स्किल ऐसा चमका कि शायद उसको देखने के बाद लोगों की आंखें थोड़ी देर के लिए अंधी हो गए और लोगों ने उस हालत में गलती से राधे मूवी को 10 के बदले एक स्कोर दे दिया, जबकि हर कोई चाहता था कि राधे को 10 में से 10 स्कोर मिले। गूगल पे सिर्फ एक स्टार मिलने का ये मतलब पता ही नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है, बस लोगों का प्यार इजहार करने का तरीका थोड़ा गलत हुआ है। और दूसरा रीजन है कि हमारा सैलमन भोई बहुत बड़ा एनिमल लवर भी है। जैसे आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पता है कि ये दुनिया जालिम और बंजर बन चुकी है, और अगर ये दुनिया इंसानों के लिए बंजर बन चुकी है तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया अब जानवरों के लिए भी सही जगह नहीं रही। वैसे लोगों को धीरे से ही सही, लेकिन ये बात अभी धीरे धीरे करके पता चल रही है, लेकिन हमारे सुप्रीमली टैलेंटेड सैलमन भोई को ये बात आज से 20 साल पहले पता चल चुकी थी। इसलिए हमारे भोई ने बहुत ही नेक इरादे के साथ गन खरीद कर 2 ब्लैक बक को इस दुनिया से मुक्ति कर दिया, लेकिन सैलमन भोई से जलने वालों की तो क्या ही करें। कुछ लोगों को भोई का ये शुभ काम पसंद ही नहीं आया कि भोई के ऊपर केस कर दिया। इस एक केस की वजह से हमारे भोई बहुत ही लंबे समय तक चर्चाओं के घेरे में घिरा रहता है। लेकिन एक कहावत है ना, सच्चाई के हमेशा जीत होती है, बिल्कुल सैलमन भोई के केस में भी वैसे ही हुआ है। आखिरकार जज को हमारे सैलमन भोई का नहीं गिराना पता चल ही गया और इसी बात के चलते हमारे सैलमन भोई को आखिर बेल मिल जाता है। लेकिन इस केस से क्लीन चिट मिलने के बाद भी हमारे भोई से जलने वाले कुछ हेटर्स की वजह से हमारा भाई अपना ये नेक काम कंटिन्यू नहीं कर सके। तीसरा रीजन, हमारा सैलमन भोई अपने को एक्टर, अपने से जूनियर एक्टर और अपने साथ काम करने वालों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये बात हर किसी को पता होगा कि बॉलीवुड जैसे बड़े फिल्म इंडस्ट्री में काम करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। उस इंडस्ट्री में काम करते बहुत अच्छे अच्छों की फट जाती है और काफी सारे एक्टर अपने इस नौकरी से अपनी जिंदगी से बोर हो जाते हैं और थक भी जाते हैं, लेकिन हमारे सैलमन भाई तो बहुत बड़े दिलवाले ठहरे, इसलिए उन्होंने अपने पावर और अपने स्थान का इस्तेमाल करके बॉलीवुड की जिंदगी से जूझने वाले कुछ एक्टर की छुट्टी करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। उसका परफेक्ट एग्जांपल है विवेक ओबरॉय शायद अपने बॉलीवुड के लंबे कैरियर और बॉलीवुड में हो रहे लगातार शूटिंग से थक ही गया होगा और हमारे भोइयों के भोई सैलमन भोई को ये बात पता चल ही जाती है, इसलिए उन्होंने विवेक ओबरॉय की ऐसी छुट्टी करा दी कि आजकल वो कहीं नजर ही नहीं आता। उसके बाद हमारे भोइयों के भोई को अरिजीत सिंह पर भी बहुत बड़ी दया आ गई थी, जो लिटरली हर बार गाना छाप छाप के बहुत ही थक चुका था। उन्होंने अरिजीत सिंह के मन की इस बात को पढ़कर उनको भी छुट्टी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बात अलग है कि अरिजीत सिंह इस बात को नहीं माना। और चौथा रीजन है कि हमारा भोई न सिर्फ एक अच्छा एक्टर है बल्कि एक बहुत अच्छा ड्राइवर भी है। सैलमन भोई के सुप्रीमली टैलेंटेड ड्राइविंग स्किल के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, लेकिन उसके ड्राइविंग स्किल को जानने के लिए तुम एक ही उदाहरण ले सकते हो। जब भी तुम सड़क पर थोड़ा खतरनाक गाड़ी चलाते हो या फिर अपने दोस्त को यहीं पे बिठाकर कुछ स्टंट करने की कोशिश करते हो तो बगल में बैठा हुआ दोस्त यही बात कहता है, अबे पागल हो गया है क्या, सलमान खान की तरह गाड़ी क्यों चला रहे हो। इसका मतलब यह है कि जब भी अपना कोई अति उत्तम ड्राइविंग स्किल दिखाए तो सबसे पहले उसका उदाहरण देने के लिए सैलमन भोई का नाम सबके जुबान पर पहली बार आ जाता है। मैं तो कहता हूँ कि ड्राइविंग के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है सैलमन भोई के आने से पहले और दूसरा है सैलमन भोई के आने के बाद। गाड़ी को रोड पर चलाना तो कोई बड़ी बात है नहीं है, कोई भी चला सकता है, लेकिन गाड़ी को फुटपाथ पे अपने बहुत ही शानदार स्किल के साथ चलाना ये हमारे भोई के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन कुछ जलने वालों को भोई का ये ड्राइविंग स्टंट भी पसंद नहीं आया तो उन्होंने फिर से भोई के ऊपर एक केस डाल दिया। और उसके 12 साल बाद एक आदमी आके कहता है कि उस दिन गाड़ी फुटपाथ पर वो ही चला रहा था। मुझे तो उसकी बात सुनके ये लगा कि शायद उसको भी सैलमन भोई के ड्राइविंग स्किल से जलन हो गई, इसलिए उसके क्रेडिट को अपने सर पर लेने के लिए 12 साल बाद आके नाटक मचा रहा है। लेकिन असलियत सबको पता है, उस रात गाड़ी हमारा खुद का सैलमन भोई ही चला रहे थे। तो यही 4 रीजन है कि मैं सलमान खान को क्यों इतना ज्यादा पसंद करता हूं।
कुछ जलने वालों को भोई के हर काम से दिक्कत है, लेकिन वो एक अच्छा एक्टर है जिसके पास एक्टिंग स्किल बहुत ही अच्छा है, और वो एक एनिमल लवर भी है जो जानवर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो एक अच्छा ड्राइवर भी है जिसने ड्राइविंग सेक्शन में अपना नया इतिहास लिखा है, और तो और वो साथ में काम करने इंडस्ट्री वाले और अपने दूसरे एक्टर से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अब हमारे भोई के अंदर भरे इतने सारे गुण को देखने के बाद भी अगर कोई सैलून भोई से नफरत करे तो उनका क्या ही कर सकता हूँ। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उनके प्रति मेरा ये स्पेशल प्यार देखने के बाद हमारा सरवन भाई मुझे स्पेशल ड्राइविंग लेसन देने अभी आते होंगे। मुझे सड़क पर जाना है तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद और मेरे देश का नाम जय साउथ कोरिया।